सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिले में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराध पर लगाम लगाने में सोनीपत पुलिस नाकाम साबित हो रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सोनीपत में आए दिन अपराध क्यों बढ़ रहा है। इस अपराध बढ़ने की असल वजह भी सामने आई है। सोनीपत में अपराधियों को पुलिस सजा नहीं दिलवाती बल्कि उनकी खातिरदारी करती है। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मोटल थाना पुलिस उनकी खातिरदारी करती नजर आई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मोटल थाना ACP गोरखपाल राणा की सफाई सामने आई है कि पूरे मामले में खुद जांच कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में CCTV फुटेज में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिल रहा है, जहां दिन दहाड़े नेशनल हाईवे 44 पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर मोटल थाने से सामने आई है, जो वीडियो देखकर आप हैरान रह सकते हैं। ये वीडियो दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने वाले 6 आरोपियों की है, जिनको CCTV के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह अपराधियों की खातिरदारी मुरथल थाना पुलिस कर रही है। सभी 6 आरोपियों को थाने में अंदर ही दूध पिलाया जा रहा है और केले खिलाए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि माजरा क्या है। आपको बता दें कि बीती 15 अगस्त को नेशनल हाईवे 44 पर भिगान टोल पर टोल ना देने को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद 5 से 6 गाड़ियों में सवार होकर बदमाशों ने दिन दहाड़े टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई थी। और फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने टोल मैनेजर की शिकायत के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों की खातिरदारी करती हुई मुरथल थाना पुलिस नजर आई। ये वो सभी आरोपी हैं जिन्होंने टोल पर मारपीट की थी। वही वीडियो सामने आने के बाद अब मुरथल थाना ACP सफाई दे रहे हैं कि वो खुद जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। बस को बड़ा एक मेजर पंगा हुआ था वहाँ टोल पे, और ये लोगों ने जो 5-6 लोग थे, इन्होंने वहाँ किसी के साथ मारपीट की थी टोल वालों के साथ, तो कल इनको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करके इनको कल जो सेक्शन जिनके 7 साल से कम की सजा, उनको रात को देर रात फायर किया। सर, जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनकी एक वीडियो भी आई है कि उनको थाने में अंदर बैठा कर दूध पिलाया जा रहा है, फल फ्रूट खिलाए जा रहे हैं, उनकी सेवा की जा रही है। सर, बस सेवा वाली तो वीडियो देख के तो लगता है सेवा की वाली बात है, लेकिन एक्चुअलिटी में जब उनके राम को बंद कराया गया था हवालात के अंदर, तो बाद में उनके एडवोकेट जब आए वहाँ पे थाने में कि इस तरह का मैटर हमारे मुलजिम 7 साल से कम की सजा में है, तो उनके फिर बेल बाउंड भरे। बेल बाउंड भरने के बाद कई उन्होंने कहा वकील उनको कुछ सामान दे गया, क्या कुछ हो गया, वो एक इंक्वायरी मैं उसमें कर रहा हूँ। सर, इसमें कोई इंक्वायरी बिठाई जाएगी किसी के खिलाफ? बिल्कुल, पहले मैं अपनी इंक्वायरी में कर रहा हूँ।